स्टूडेंट्स, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई फाई मैथ्स बाई धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट कर लिया था, मतलब हमने रिलेशन का जो पार्ट है इसमें रिलेशन जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया था, और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं फंक्शन। तो देखिए फंक्शन क्या होता है, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ फंक्शन में पहला अल्फाबेट है आपका एफ, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो एफ है यानी कि फंक्शन है वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, ठीक है ना। फंक्शन जो होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। सबसेट का मतलब मैंने आपको बता दिया था फर्स्ट वीडियो में ही कि एक सेट के सारे एलिमेंट अगर दूसरे सेट के अंदर बिलोंग करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। भाई इलेवंथ क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है ना। अब आप कहोगे कि रिलेशन की भी डेफिनेशन आपने यही बताई थी कि आर जो है वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, रिलेशन में भी यही बताया था, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो फंक्शन होता है वो एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही होता है, मतलब एक स्पेशल टाइप के रिलेशन को ही हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं, ठीक है भाई। तो पहले मैं इस पर एक एग्जांपल देता हूं आपको और फिर बताता हूं कि स्पेशल का मतलब क्या होता है, कि किस टाइप के रिलेशन को हम फंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहले इस पर एक एग्जाम्पल, एक ए सेट ले लेता हूं मैं, यहां पर ए सेट है मेरे पास मान लीजिए 1, 2, 3, ठीक है, ये ए सेट है भाई। और बी सेट ले लेता हूं मैं, बी सेट है मेरे पास मान लीजिए 1, 4, 9, ठीक है, ये आपका बी सेट है, क्लियर है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, और फंक्शन हमें गिवन है, यहां पर मान लीजिए फंक्शन आपको गिवन है fx इक्वल्स टू गिवन है x स्क्वायर, इस टाइप से आपको फंक्शन दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपको ये फंक्शन जो है आपका ये a टू b है, फंक्शन क्या है भाई, फंक्शन है आपका a टू b, ठीक है। a टू b का मतलब ये है कि आपको a से वैल्यू रिप्लेस करनी है और b में चेक करनी है कि बिलोंग कर रही है या नहीं कर रही है, मतलब a की जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, डोमेन होगी, और बी की वैल्यू को क्या होगी भाई, रेंज, ठीक है। तो यहाँ पर ये फंक्शन आपको गिवन है, ए की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस करेंगे और बी में चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 1, ठीक है, ये 1 मैंने रिप्लेस किया, तो एक्स की जगह मैंने 1 रिप्लेस किया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 1 आएगा, ठीक है ना। तो ऑर्डर पेयर क्या बना भाई, एक्स की वैल्यू हमने 1 रिप्लेस की थी, ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू भी आपके पास क्या आई, 1, तो ऑर्डर पेयर बन गया 1, 1। अब की बार मैं 2 रिप्लेस कर देता हूं, तो x की जगह मैंने 2 रिप्लेस कर दिया है यहाँ पर, ठीक है, तो 2 रिप्लेस कर देते हैं, और इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया मैंने, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या बना भाई, ऑर्डर पेयर बन गया आपका 2, 4। x की वैल्यू आपने 2 रिप्लेस की थी और फंक्शन की वैल्यू कितनी आई 4, तो ऑर्डर पेयर बन गया हमारे पास 2, 4, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही x की वैल्यू मैं रिप्लेस कर देता हूँ 3, तो 3 रिप्लेस कर दिया मैंने यहाँ पर x की जगह, और इसका मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। आप देख सकते हैं जब x की वैल्यू हमने 3 रिप्लेस की तो फंक्शन की वैल्यू 9 आई, यानी कि ऑर्डर पेयर क्या बन गया आपका 3, 9, क्लियर है। अब इनसे अगर मैं एरो डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, एरो डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, 11th में भी आपने पढ़ा है एरो डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ये आपका ए सेट है और ये क्या है, बी सेट, ठीक है भाई। तो ए सेट के अंदर एलिमेंट क्या है हमारे 1, 2, 3, ठीक है, और बी सेट के अंदर एलिमेंट क्या है हमारे पास 1, 4, 9। अब आपने देखा कि 1 का जो ऑर्डर पेयर बना वो 1 के साथ बना, यानी कि 1 जो है वो 1 से रिलेटेड है, तो ये मैंने 1 को 1 से रिलेट करा दिया। 2 किससे रिलेटेड है, 4 से, तो 2 को मैंने 4 से रिलेट करा दिया, ठीक है। 3 को मैंने रिलेट करा दिया है 9 से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है सभी की एक क्या है, इमेज है। देखिए एरो डायग्राम में अगर इन नंबरों को आप रीड करेंगे तो कैसे करेंगे, अगर इधर से इधर की तरफ पढ़ते हैं, जैसे मैं बोल सकता हूँ कि 1 की इमेज कितनी है 1, 2 की इमेज कितनी है 4, 3 की इमेज कितनी है 9, मतलब ए से बी की तरफ पढ़ेंगे तो बोलेंगे इमेज, और बी से ए की तरफ रीड करेंगे तो बोलेंगे प्री इमेज, ठीक है ना। एक बार फिर से रिपीट करा रहा हूँ, 1 की इमेज कितनी होगी 1, 2 की इमेज 4 होगी, 3 की इमेज कितनी होगी 9। अगर मैं इधर से बी टू ए रीड करता हूँ तो कैसे करूंगा, 1 की प्री इमेज कितनी होगी 1, 4 की प्री इमेज कितनी होगी 2, और 9 की प्री इमेज कितनी होगी भाई 3 होगी, ठीक है। तो ये आपके पास एक फंक्शन की वो हमने एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो फंक्शन होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, क्योंकि यहां से आप ए क्रॉस बी निकाल के देखिए, ठीक है, ये निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी निकाल के दिखा रहा हूं मैं आपको, प्रूव करके दिखा रहा हूं कि यहां पर जो फंक्शन होगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, ठीक है। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, आपको पता है भाई, दो सेट का प्रोडक्ट कैसे कराते हैं, यहां से फर्स्ट एलिमेंट का इन सभी के साथ क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। तो यहां से मैंने फर्स्ट एलिमेंट पकड़ा है, फर्स्ट एलिमेंट का 1 का ऑर्डर पेयर बनाएंगे 1 के साथ, तो हो गया 1, 1, 1 का ये 1 ही रखा है हमने, ठीक है, 1 का 1 के साथ 1, 1, 1 का 4 के साथ क्या हो जाएगा 1, 4, 1 का 9 के साथ क्या हो जाएगा भाई 1, 9, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट हम लेंगे 2, तो 2 का 1 के साथ क्या बन जाएगा आपका 2, 1, सेम 2 का 4 के साथ क्या बन जाएगा 2, 4, और 2 का 9 के साथ क्या बन जाएगा 2, 9 बन जाएगा, ठीक है।
इसी प्रकार से नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे हम 3, तो 3 का 1 के साथ पेयर क्या हो जाएगा 3-1, नेक्स्ट 3 का 4 के साथ क्या हो जाएगा 3-4, और 3 का 9 के साथ क्या हो जाएगा 3-9। तो इस टाइप से मैंने क्या निकाला है, ये A क्रॉस B निकाला है, क्लियर है भाई, ये A क्रॉस B निकाला है। और फंक्शन अभी हमने बनाया था, हमारे ऑर्डर पेयर क्या बने थे, फंक्शन हमारा बनाया ही है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या बना था 1-1, सेकेंड ऑर्डर पेयर क्या बनाया 2-4, और थर्ड ऑर्डर पेयर क्या बनाया आपका 3-9, ये आपका एक फंक्शन बना था। तो आप देख सकते हैं इसके जितने भी ऑर्डर पेयर है सारे इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखिए 1-1 बिलोंग कर रहा है, 2-4 भी बिलोंग कर रहा है, 3-9 भी बिलोंग कर रहा है, मतलब इसके सारे एलिमेंट A क्रॉस B के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। तो इसके सारे एलिमेंट अगर इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं तो बताइए मैं ये बात बोल सकता हूं या नहीं कि F जो है A क्रॉस B का क्या है, सबसेट है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो क्लियर हो गया होगा सारा कंसेप्ट आपको, मैंने ये चीज प्रूव करने के लिए ही एग्जाम्पल लिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया है कि F फंक्शन के सभी एलिमेंट A क्रॉस B के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि F जो है वो A क्रॉस B का क्या है, सबसेट है। अब बात ये आती है कि रिलेशन में भी मैंने यही बताया था और फंक्शन में भी यही बात बता रहा हूं भाई, तो रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस कहां हुआ, क्या डिफरेंस हुआ, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि भाई रिलेशन में किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं होती है, लेकिन फंक्शन में कंडीशन होती है। फंक्शन में क्या कंडीशन होती है, फंक्शन में ये कंडीशन होती है कि यहां पर कोई एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए, जबकि रिलेशन में ऐसा कुछ नहीं था। फ्री का मतलब यहां पर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी कोई इमेज ना हो, मतलब प्रत्येक एलिमेंट की एक इमेज होना जरूरी है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी एलिमेंट की इमेज ना हो। कैसे पॉसिबल नहीं है भाई, जैसे कि एफ एक्स इक्वल्स टू मैंने आपको एक फंक्शन दे दिया है 2x+3, ठीक है। अब इसमें x की कोई वैल्यू अगर मैं रिप्लेस करता हूं, चाहे मैं 1 करूं 2 करूं या 3 करूं, ठीक है, तो इसके अंदर जब मैं रिप्लेस करूंगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू आपको जरूर मिलेगी। ऐसा थोड़ी ना होगा कि मैंने 1 रिप्लेस किया और मुझे कोई वैल्यू ही नहीं मिली, क्लियर है ना। तो किसी भी फंक्शन की किसी भी नंबर पर कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होती है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि इधर जितने भी एलिमेंट है सभी की यहां पर क्या होगी, इमेज होगी, क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी, तो उसी के साथ उसकी क्या बन जाएगी, इमेज। एक बात, केवल दो बातें बताऊंगा, वही दो बातें प्रूव करती है कि रिलेशन और फंक्शन में काफी डिफरेंस है, ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई है कि यहां पर जितने भी एलिमेंट है सभी की क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात बता रहा हूं, दूसरी बात ये है कि यहाँ के जो यहाँ पर जो एलिमेंट है वो मतलब इधर से जो एलिमेंट है उनकी जो प्री इमेज होगी, ठीक है, प्री इमेज होगी वो मोर देन 1 हो सकती है। मोर देन क्या हो सकती है, 1। प्री इमेज जो है वो मोर देन 1 हो सकती है, मतलब एक से ज्यादा हो सकती है भाई, ठीक है। तो ये बात भी मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं कि एक से ज्यादा कैसे हो सकती है। जैसे कि मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास फंक्शन है भाई। तो अगर मैं x की वैल्यू प्लस का 1 रखता हूं तो भी मेरे पास क्या आएगा, प्लस का 1 का रखा मैंने, प्लस के 1 का मैंने किया स्क्वायर, तो मेरे पास कितना आया, प्लस का 1 ही आया। और फिर मैंने x की वैल्यू रखी माइनस का 1, तो माइनस का 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि इधर से मैंने पहले प्लस का 1 रखा और फिर माइनस का 1 रखा, ठीक है, और यहां पर प्लस का 1 की वैल्यू भी आपके पास क्या आई, प्लस का 1 आई, यानी कि प्लस का 1 जो है वो प्लस के 1 से रिलेट है, और माइनस के 1 की वैल्यू भी क्या आई, प्लस का 1 आई, तो ये भी इससे रिलेट है, ठीक है ना। तो आपने देखा भाई इस 1 के लिए कितनी प्री इमेज हो गई है, डबल प्री इमेज हो गई है। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इसमें x की जगह मैं 2 रिप्लेस करता हूं तो 2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 4 आएगा भाई। और मैं -2 रिप्लेस करता हूं इसी फंक्शन में तो क्या होगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा, प्लस का 4 आएगा, ठीक है ना। तो और भी एग्जांपल आप इसके अंदर ले सकते हैं। तो 1 की कितनी प्री इमेज हुई, डबल प्री इमेज हो गई, ठीक है ना, क्लियर है ये बात भाई। तो ये दो बातें रिलेशन से फंक्शन को अलग करती है। तो इन दोनों बातों को मिला करके मैं एक आपको कॉमन बात बना के देता हूं, और कॉमन ये है कि यहां पर जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, यहां पर जितने भी एलिमेंट है सभी एलिमेंटों की, सॉरी यहां पर इधर जितने भी एलिमेंट है सभी एलिमेंटों की एक यूनिक इमेज होना कंपलसरी है भाई। यूनिक इमेज, यूनिक का मतलब एक, ठीक है। तो यहां पर जितने भी एलिमेंट है सभी एलिमेंटों की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी कोई इमेज ना हो, ठीक है, और मोर देन 1 नहीं होनी चाहिए। इसलिए तो मैं यूनिक बोल रहा हूं कि प्रत्येक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, एक यूनिक इमेज
होनी चाहिए। क्लियर है? बस ये बात याद रखें, इसी से आपका रिलेशन और फंक्शन अलग अलग हो जाता है। रिलेशन में तो इस टाइप की कोई कंडीशन नहीं है, बस जो स्टेटमेंट दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आप ऑर्डर पेयर बनाएं और आपका रिलेशन बन जाएगा। लेकिन फंक्शन के लिए कंडीशन क्या हो गई कि यहाँ पर कोई एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए, सभी की इमेज होनी चाहिए। ठीक है, वो भी कैसी होनी चाहिए? यूनिक इमेज होनी चाहिए। क्लियर है? यूनिक इमेज का मतलब केवल एक इमेज, अगर एक से ज्यादा इमेज हो गई तो उसको हम फंक्शन नहीं कह सकते। ठीक है, चलिए तीन एग्जांपल लेते हैं और उन एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि रिलेशन और फंक्शन में वास्तव में कुछ डिफरेंस है। चलिए देखते हैं तीन एग्जांपल। तो ये देखिए भाई, एग्जांपल लिए हमने तीन, इन एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस है। ठीक है ना, क्लियर तो मैंने आपको करा दिया, केवल एक बात बताई है कि यूनिक क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक क्या होनी चाहिए भाई? इमेज। ठीक है ना, यूनिक इमेज जिसके अंदर होगी उस रिलेशन को हम फंक्शन बोल सकते हैं। यूनिक इमेज का मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, केवल और केवल एक इमेज, एक से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और एक से कम भी नहीं होनी चाहिए। मैं इमेज की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। प्री इमेज एक से ज्यादा हो सकती है, वो हमने अभी एक एग्जाम्पल लिया था fx = x2। क्या लिया था भाई? x2। तो इसमें आपने देखा था कि माइनस का वन रिप्लेस किया तब भी हमें प्लस का वन वैल्यू मिली, और प्लस का वन रिप्लेस किया तब भी हमें प्लस का वन वैल्यू मिली। तो इससे अगर आप वैरो डायग्राम बनाएंगे तो माइनस का वन और प्लस का वन इधर से रिप्लेस किया है, यहां से प्लस का वन मिला है, तो माइनस का वन भी किससे रिलेट है? वन से माइनस की वन वैल्यू रखी तब भी प्लस का वन आया, और प्लस का वन वैल्यू रखी तब भी प्लस का वन आया। तो इसकी कितनी प्री इमेज हो गई? इधर से इधर पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे? प्री इमेज बोलेंगे ना। तो प्री इमेज कितनी हो गई भाई? एक से ज्यादा नहीं हो गई, दो प्री इमेज हो गई। ठीक है ना, तो प्री इमेज एक से ज्यादा हो सकती है किसके अंदर? फंक्शन के अंदर। रिलेशन में तो कोई कंडीशन ही नहीं है। ठीक है, तो प्री इमेज एक से ज्यादा हो सकती है, लेकिन इमेज कैसी होगी? यूनिक होगी। ठीक है, प्रत्येक की होगी और कैसी होगी? यूनिक होगी। तो यूनिक प्री इमेज होनी, सॉरी यूनिक इमेज होनी चाहिए सभी की, एक कॉमन बात हो गई है सभी की, कोई यहाँ पर फ्री नहीं होगा। ठीक है ना, सभी की इमेज होगी और कैसी होगी? वो भी यूनिक होगी। तो बाकी इन तीन एग्जांपल से और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इनमें। ठीक है, तो देखिए ये मैंने तीन एग्जांपल लिखे हैं, आप वीडियो को यहाँ पर रोक लें और खुद से सोचें कि इन तीनों रिलेशन में से कौन सा फंक्शन हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर मैं बताता हूं। तो उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को बीच में रोका होगा और सोचा होगा, तो मैं बताता हूं। देखिए यहां पर आपका जो ये है, ये आपका फंक्शन नहीं है, इसको हम फंक्शन नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं फंक्शन भाई? तो देखिए यहाँ पर वन जो है वो वन की प्री इमेज कितनी है? फोर है। वन की प्री इमेज कितनी है, सॉरी इमेज कितनी है भाई? इधर से लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे? इमेज। अभी बताया था ना मैंने, ए टू बी रीड करेंगे तो क्या बोलेंगे? इमेज। ए टू बी इमेज, और बी टू ई, सॉरी बी टू ए प्री इमेज। ठीक है, तो वन की इमेज कितनी है? फोर है। टू की इमेज कितनी है? फाइव। थ्री की इमेज कितनी है? सिक्स। थ्री की इमेज कितनी है? सेवन। तो आप देख सकते हैं मैंने बोला है यूनिक इमेज होनी चाहिए, तो थ्री की इमेज सिक्स भी है और थ्री की इमेज सेवन भी है, है ना। तो थ्री की कितनी इमेज हो गई भाई? डबल हो गई, एक तो सिक्स और दूसरा सेवन। अगर आप एरो डायग्राम बना के देखे तो आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। देखिए यहां पर ले लेता हूं मैं वन टू थ्री, मतलब ए सेट आपका, और यहां पर लूंगा मैं बी सेट, तो बी सेट मैंने लिख देता हूं मैं फोर फाइव सिक्स सेवन। ठीक है, तो ये जो आपने ऑर्डर पेयर बनाए इनको आप रिलेट करा देते हैं। ठीक है, तो वन को फोर से रिलेट करा दिया हमने, टू को किससे रिलेट करा देंगे? फाइव से, और थ्री को किससे रिलेट करा देंगे भाई? सिक्स से। ठीक है, सेम थ्री को किससे रिलेट कराना है? सेवन से। तो आप देख सकते हैं कि थ्री की जो इमेज है वो एक से ज्यादा हो गई ना, और ये पॉसिबल नहीं है। अब आप कहोगे कि ये पॉसिबल क्यों नहीं है? देखिए मैं आपको रीजन बताता हूं। जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप फंक्शन का, fx = मान लो ये एक्स स्क्वायर ही ले लिया हमने। ठीक है, तो अगर मैं इसमें x की वैल्यू मान लीजिए आप फिलहाल के लिए कुछ भी रखता हूं, ठीक है, कोई भी वैल्यू रखी मैंने, तो मुझे एक वैल्यू मिलेगी, कोई भी एक वैल्यू मिलेगी। जैसे कि एग्जाम्पल चलो इसको ले लेते हैं, यहां पर मान लो मैंने x = 2 रखा। ठीक है, तो 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना मिलेगा भाई? 4 मिलेगा। ठीक है ना, तो 2 का स्क्वायर किया हमने, कितना मिला? 4। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इसी फंक्शन में फिर से 2 रिप्लेस करूं और मुझे वैल्यू 4 ना मिल करके कुछ और मिले? क्या ये पॉसिबल है भाई? किसी भी फंक्शन में कोई एक नंबर को आप चाहे कितनी बार भी रिप्लेस कर लें, सेम नंबर को किसी भी फंक्शन में कितनी बार भी रिप्लेस कर ले, वैल्यू सेम मिलेगी, डिफरेंट कभी मिलेगी? ये हो सकता है कि अभी 2 रिप्लेस किया 4 मिला, और फिर से 2 रिप्लेस करूं तो कुछ और मिले?
नहीं हो सकता ना, तो ये कैसे हो सकता है कि थ्री वैल्यू जब हमने फंक्शन में रखी तो हमें पहले सिक्स मिला और फिर थ्री वैल्यू रखी तो हमें सेवन मिला, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ना पॉसिबल, क्योंकि थ्री को रिप्लेस करने से या तो सिक्स ही मिलेगा या सेवन ही, डबल वैल्यू कभी मिल ही नहीं सकती है, एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। तो इसलिए इस रिलेशन को हम क्या नहीं बोल सकते हैं, फंक्शन रीजन क्या हो गया, एक से ज्यादा इमेज हो गई है, इसीलिए मैंने बोला था यूनिक इमेज होनी चाहिए, तो इस रिलेशन को हम फंक्शन नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो स्पेशल टाइप वाली बात आपको यहां से समझ में आने वाली है। अब देखते हैं इसको, तो यहां पर देख रहे हैं आप कि वन की जो इमेज है वो कितनी है, फोर, टू की इमेज जो है वो कितनी है, फाइव है भाई, और थ्री की इमेज जो है वो कितनी है, फाइव। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, इमेज जो है वो यूनिक होगी लेकिन प्री इमेज एक से ज्यादा हो सकती है, आपको दिख रहा है एग्जाम्पल यहां पर वन की प्री इमेज क्या है, डबल है, तो ये पॉसिबल है। अगर आप इसका एरो डायग्राम बनाएंगे तो आपको क्लियर से दिखेगा हाँ ये पॉसिबल है, ठीक है। तो ए सेट आपका यहाँ पर, और ये क्या हो गया भाई, बी सेट, ए सेट में हो गया वन टू थ्री और बी सेट में था आपके पास फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है। तो इसके अगर हम एरो डायग्राम बनाते हैं तो वन को फोर से रिलेट करा दिया मैंने, टू को किससे रिलेट करा देते हैं, फाइव से, टू को हमने किससे रिलेट करा दिया, फाइव से भाई, और थ्री को भी किससे रिलेट कराना है, फाइव से रिलेट कराना है, ठीक है। तो थ्री को फाइव से रिलेट करा दिया, तो आप देख सकते हैं ये जो फाइव है इसकी कितनी प्री इमेज हो गई, डबल प्री इमेज हो गई, एक तो टू है प्री इमेज और एक थ्री है, तो ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, एग्जांपल आपके सामने है, माइनस का वन रखा तो हमें क्या मिला, प्लस का वन, और प्लस का वन रखा तब भी प्लस का वन मिला, तो ये पॉसिबल है कि वैल्यू आप एक्स की डिफरेंट डिफरेंट रखे लेकिन यहां पर फंक्शन की वैल्यू क्या मिले, सेम मिले, ये पॉसिबल है। और भी इसमें ले सकते हैं आप, इवन फंक्शन में किसी में भी रख के देख लें आप, ठीक है, एक बार नेगेटिव नंबर रखें एक बार पॉजिटिव, जो आपको नंबर मिलेगा ना वो फंक्शन की जो वैल्यू मिलेगी वो सेम मिलेगी, ठीक है ना। तो ये पॉसिबल है, प्री इमेज एक से ज्यादा हो सकती है लेकिन इमेज कैसी होगी, यूनिक। इसलिए आप केवल इस बात को याद रख लें कि किसी भी फंक्शन में, किसी भी रिलेशन में अगर यूनिक इमेज है तो उस रिलेशन को हम फंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है, केवल ये बात याद रख लें, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन बिल्कुल होगा, इस रिलेशन को हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन। तो जो स्पेशल वाली बात आई थी वो इस टाइप के रिलेशन के लिए ही आई थी, तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन बोल सकते हैं, जिनके अंदर एक यूनिक इमेज है, ठीक है, एक यूनिक इमेज है, क्लियर है ना। प्री इमेज है इसमें एक से ज्यादा, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें बात करनी है किसकी, इमेज की। तो इसमें एक यूनिक इमेज ही है, किसी की इमेज एक से ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, किसी की इमेज एक से ज्यादा नहीं है। देखिए वन की भी इमेज कितनी है, एक सिंगल है, टू की भी इमेज एक सिंगल है, थ्री की भी इमेज सिंगल है, लेकिन फाइव के लिए प्री इमेज है डबल, तो प्री इमेज तो एक से ज्यादा हो सकती है, ठीक है। एक तीसरा एग्जांपल है आपका ये, तो इसमें आपको दिख रहा है वन फाइव का है पेयर, टू सिक्स का है, लेकिन किसका नहीं है, वन का भी है, वन की भी इमेज है, वन की इमेज कितनी हो गई फाइव, टू की इमेज कितनी हो गई सिक्स, लेकिन थ्री की इमेज यहाँ पर नहीं है, तो उस वजह से इस रिलेशन को हम क्या नहीं बोल सकते हैं, फंक्शन। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई फंक्शन आपको गिवन है, ठीक है, कोई भी एक फंक्शन गिवन है और उसमें आप ये वैल्यू रिप्लेस करें, एक्स की ये वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करें और यहाँ से आपको कोई रिजल्ट ना मिले, ऐसा पॉसिबल है, फंक्शन की कोई वैल्यू ना मिले, ऐसा पॉसिबल है, नहीं है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सभी की यूनिक इमेज होना जरूरी है, तो यहाँ पर वन की इमेज है, टू की है, लेकिन थ्री की नहीं है। इमेज होनी चाहिए सभी की, और कैसी होनी चाहिए, केवल वन सिंगल इमेज होनी चाहिए, क्लियर बात ये है, ठीक है। तो अब आपको रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। फंक्शन के लिए कंडीशन क्या है कि सभी नंबरों की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, केवल और केवल एक इमेज होनी चाहिए, इस टाइप के रिलेशन को हम फंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है भाई। चलते हैं कुछ ऑपरेशन पर फंक्शन के, तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी भाई एलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, ठीक है। तो देखिए वैसे ये सभी बातें आपको पहले से ही पता है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक मिनट दो मिनट के अंदर कवर कर लेते हैं इनको। तो पहला टॉपिक आता है सम ऑफ टू फंक्शन, मतलब दो फंक्शनों को आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक फंक्शन आपको गिवन है एफ एक्स और दूसरा फंक्शन है आपका जी एक्स, तो इन दोनों को आप ऐड करके लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको कि मान लीजिए एफ एक्स इक्वल्स टू आपको गिवन है टू एक्स, ठीक है, और जी एक्स इक्वल्स टू आपको गिवन है भाई थ्री एक्स, तो इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे, एफ एक्स प्लस क्या लिखेंगे जी एक्स, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, एफ एक्स की वैल्यू थी आपकी टू एक्स और जी एक्स की वैल्यू कितनी थी भाई थ्री एक्स, तो दोनों को हमने ऐड किया तो क्या बना फाइव एक्स बना। तो ये बात तो आपको पहले से पता है क्योंकि आप पढ़ चुके हैं अलजेब्रा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन, मतलब दो फंक्शनों में आप डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दो फंक्शनों को, ठीक है। एक फंक्शन है आपका एफ एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू मान लीजिए आपको गिवन है टू एक्स प्लस वन,
ठीक है, और दूसरा फंक्शन है आपका जी एक्स। जी एक्स इक्वल्स टू आपको मान लीजिए गिवन है भाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 गिवन है, ठीक है। तो दोनों में आपको डिफरेंस निकालना है, मतलब एफ एक्स में से जी एक्स को क्या करना है, माइनस करना है। तो एफ एक्स हमारा क्या है भाई 2x प्लस 1 है, और जी एक्स क्या है आपका जी एक्स ही है, तो इसमें इसको माइनस करना है। देखिए बाहर माइनस का साइन, अंदर के साइन चेंज होंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, 2x भी माइनस का हो जाएगा, और 3 भी क्या हो जाएगा माइनस का। एफ एक्स की वैल्यू लिखी मैंने, माइनस था बीच में, माइनस लगाया, उसकी वजह से अंदर के साइन क्या हो गए चेंज। तो आप देख सकते हैं 2x से 2x तो क्या हो गया कैंसिल, तो यहां से बचा हमारे पास माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस का 3, प्लस का 1 और माइनस का 3 कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, ठीक है ना। तो दो फंक्शनों को आप ऐड भी कर सकते हैं, दो फंक्शनों का डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्या आता है भाई, इनका यूज क्या है, इनका यूज सिर्फ यही है कि आप एड सब्ट्रैक्ट करते हुए ये सोचे ना कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, केवल इनका मकसद यही है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आता है आपका प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, यानी कि दो फंक्शनों का आप प्रोडक्ट भी करा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, एक एफ एक्स आपको गिवन है 3x और जी एक्स आपको गिवन है मान लीजिए 2x प्लस 1, ठीक है, ये आपको गिवन है भाई। तो आपको इन दोनों का प्रोडक्ट कराना है, तो एफ एक्स इंटू में क्या लिखेंगे हम जी एक्स, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3x और जी एक्स की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 x इंटू एक्स क्या हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर, और 3x को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3x आएगा। जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नई बात है नहीं, आपकी पढ़ी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोशेंट ऑफ ए टू फंक्शन, मतलब दो फंक्शनों को आप डिवाइड करके उसका कोशेंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे भाई, जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू आपको गिवन है मान लीजिए एक्स प्लस 1 गिवन है, और जी एक्स इक्वल्स टू आपको गिवन है एक्स, ठीक है। तो आप क्या करेंगे भाई एफ एक्स अपॉन जी एक्स कर सकते हैं, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, मतलब एफ एक्स को एफ एक्स के आपके पास एक्स प्लस 1, और इसको आप डिवाइड कर सकते हैं किससे एक्स से, तो एक्स से जब आप डिवाइड करेंगे तो जो कोशेंट आएगा वो आप यहां पर आ जाएगा, डिवाइड करना तो आपको आता ही है, ठीक है ना। तो इतना तो आप कर सकते हैं खुद से। फिफ्थ जो आता है आपका आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए फंक्शन बाई ए स्केलर, मतलब किसी फंक्शन को आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब मेन बात आती है यहां पर स्केलर की, स्केलर क्या होगा, तो देखिए स्केलर आपका कोई भी काउंटिंग का नंबर हो सकता है या कोई भी अल्फाबेट हो सकता है ए बी सी डी वगैरह, ठीक है। तो स्केलर क्या होता है, कोई भी काउंटिंग का नंबर या कोई भी अल्फाबेट। जैसे कि एग्जांपल दे देते हैं इसमें हम आपको, एफ एक्स इक्वल्स टू मान लीजिए आपको गिवन है 2x प्लस 1, ये एक फंक्शन गिवन है, और इस फंक्शन को आपको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, और वो स्केलर मान लो 2 है, तो इस फंक्शन को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, स्केलर कितना है भाई 2, ठीक है। तो इस फंक्शन को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फंक्शन की सभी टर्म क्या हो जाएंगी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4x, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 2, ठीक है। तो यहां से क्लियर हो गया होगा कि किसी भी फंक्शन को अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस फंक्शन की सभी टर्म उस स्केलर से क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। और लास्ट आता है आपका रेसिप्रोकल ऑफ ए फंक्शन, ठीक है भाई। वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो इसलिए जल्दी बता रहा हूं क्योंकि नई चीज नहीं है, आपकी पढ़ी हुई है, ठीक है ना। ये तो हमें अलजेब्रा में 6th 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो रेसिप्रोकल ऑफ ए फंक्शन, किसी भी फंक्शन का रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं आप। जैसे कि एग्जांपल दूं कि एफ एक्स इक्वल्स टू आपको एक फंक्शन गिवन है 2x प्लस 1, और इसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल का मतलब क्या करेंगे, ठीक है, तो 1 अपॉन एफ एक्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन हो जाएगा आपका, तो ये इसका क्या हो गया रेसिप्रोकल। तो कहने का मतलब है कि किसी भी दो फंक्शनों को आप एड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और साथ ही उसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। तो देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ ए फंक्शन, मतलब फंक्शनों को हम किस किस कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, समझे। तो फर्स्ट ले लेते हैं हम इनटू फंक्शन, फर्स्ट क्या आ जाता है हमारा इनटू फंक्शन, ठीक है भाई। इन्हीं पर बेस आपकी एक्सरसाइज है तो थोड़ा सीरियस होकर देखेंगे आप इनको। तो इनटू फंक्शन क्या होता है आपका, सबसे पहले हम जानने जा रहे हैं कि इनटू फंक्शन क्या होता है। तो देखिए इनटू किसको कहेंगे हम, कि कम से कम आपका एक एलिमेंट ऐसा हो, एटलीस्ट 1, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, ठीक है ना, एक एलिमेंट ऐसा हो जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। तो इन सभी को मैं आपको वेन डायग्राम, सॉरी एरो डायग्राम से समझाऊंगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ए सेट है ये, और ये क्या है आपका बी सेट है भाई, ठीक है। एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, एरो डायग्राम से समझा रहे हैं आपको। तो 1 2 3 4 यहाँ पर ये है मेरे पास, और यहाँ पर है मान लीजिए 5 6 7 8 और 9, ठीक है, ये आपका बी सेट है, ठीक। तो भाई 1 जो है आपका मान लीजिए 5 से रिलेट है,
टू जो है वो सिक्स से है, थ्री जो है वो सेवन से है और फोर जो है वो एट से है, ठीक है। तो यहां पर आपको एक एलिमेंट फ्री दिख रहा है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, नो प्री इमेज, कोई प्री इमेज नहीं है ना इसकी। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन बोलते हैं भाई, एटलीस्ट वन, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना। कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए यहां पर जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। अब आप कहोगे कि यहां पर फ्री हो तो भैया उसको हम फंक्शन ही नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। फंक्शन मैंने आपको बहुत डिटेल में बड़े प्यार से काफी टाइम लगाते हुए समझाया, अगर यहां पर कोई एलिमेंट फ्री हो गया तो उसको तो हम फंक्शन ही नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि यहां से हम कोई एक्स की वैल्यू रिप्लेस करें और फंक्शन की कोई वैल्यू ना मिले, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है ना। तो यहां पर कम से कम एक एलिमेंट फ्री होना चाहिए, अगर यहां पर एक एलिमेंट फ्री है तो उस फंक्शन को आप क्या बोल सकते हैं, इनटू फंक्शन बोल सकते हैं। यहां पर एक से ज्यादा एलिमेंट भी फ्री हो सकते हैं जिनकी कोई प्री इमेज ना हो, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोला जाता है भाई, इनटू फंक्शन बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आती है टाइप आपकी आ जाती है ओनटू फंक्शन, क्या आ जाता है भाई, ओनटू फंक्शन। तो ओनटू फंक्शन जो है वो इनटू से अपोजिट काम करता है, ठीक है। इनटू ये कहता है कि कम से कम एक एलिमेंट फ्री होना चाहिए जिसकी कोई प्री इमेज नहीं होनी चाहिए, और ओनटू ये बोलता है कि कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए, सभी की प्री इमेज होनी चाहिए, कम से कम एक प्री इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा हो सकती है प्री इमेज, एक से ज्यादा हो सकती है लेकिन इमेज नहीं हो सकती। मैंने बोला था एटलीस्ट वन इमेज होगी, ठीक है ना, मतलब यूनिक इमेज होगी, ठीक है। तो प्री इमेज एक से ज्यादा हो सकती है। ओन टू ये कहता है कि कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए, सभी की प्री इमेज होनी चाहिए, एक हो या एक से ज्यादा हो लेकिन होनी सभी की चाहिए, ठीक है भाई। तो ये आपका हो गया ए सेट, और ये क्या हो गया है बी सेट हो गया है, ठीक है, ये हो गया आपका बी सेट। तो ए सेट के अंदर ले लेते हैं हम वन टू थ्री फोर, और यहां पर हो गया हमारा फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक है। तो वन जो है आपका फाइव से रिलेट है, टू सिक्स से रिलेट है, थ्री सेवन से रिलेट है, फोर एट से रिलेट है। तो आप देख सकते हैं यहां पर कोई एलिमेंट फ्री नहीं है, यहां तो हो ही नहीं सकता है, यहां होगा तो फंक्शन ही नहीं बोल सकते, ठीक है। तो यहां पर भी कोई एलिमेंट फ्री नहीं है, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, ओन टू। तो इन टू में बोला गया था कि एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट फ्री होना चाहिए जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, और ओन टू में बोला गया कि यहां पर कोई एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए, सभी एलिमेंटों की एक कम से कम एक इमेज होनी चाहिए, एटलीस्ट सॉरी प्री इमेज, एटलीस्ट वन प्री इमेज हो, ठीक है ना, सभी की क्या हो, एटलीस्ट वन प्री इमेज, क्लियर है भाई। तो ये आपका हो गया ओन टू। साथ ही मैं आपको बता देता हूं ओन टू का एक नाम और है, और वो नाम होता है आपका सर्जेक्शन। क्या होता है भाई, सर्जेक्शन या सब्जेक्टिव भी बोलते हैं इसको, ठीक है, सर्जेक्शन या सब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं, ये ध्यान रखते हैं, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एग्जाम में ये ना आकर के ये पूछा जाता है। तो इसका मतलब एक ही है, नाम डबल हो गए लेकिन चीज एक ही है, ठीक है। अगली टाइप पढ़ते हैं, थर्ड टाइप है हमारी, और थर्ड टाइप में आ जाता है वन वन फंक्शन। क्या आ जाता है भाई, वन वन फंक्शन, ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है वन वन फंक्शन, नाम से ही पता लग रहा है, मतलब सभी की क्या हो, एक यूनिक प्री इमेज हो, सभी की एक क्या हो, यूनिक प्री इमेज। इमेज तो यूनिक ही होती है वरना उसको हम फंक्शन ही नहीं कहेंगे, लेकिन यहां पर कह रहा है कि प्री इमेज भी क्या हो, यूनिक हो। तो इसके लिए एग्जांपल यही वाला ले सकते हैं आप, ठीक है, इसको हम ऑन टू तो बोल ही सकते हैं क्योंकि कोई फ्री नहीं है, साथ ही इसको वन वन भी बोल सकते हैं। क्यों वन वन बोल सकते हैं, क्योंकि सभी की एक यूनिक प्री इमेज है। फाइव की भी देखिए एक सिंगल प्री इमेज है, सिक्स की भी एक सिंगल है, सेवन की भी एक सिंगल है, एट की भी सिंगल है, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहां पर फाइव दिखा दिया और इसको मैंने इससे रिलेट करा दिया, ठीक है, अब ये आपका वन वन नहीं है क्योंकि एट की एक से ज्यादा प्री इमेज हो गई, क्लियर है, एट की एक से ज्यादा प्री इमेज हो गई, अब आपका ये वन वन नहीं है। तो अब ये कैसा हो गया, ये मैनी वन हो गया है, ठीक है। तो फोर्थ टाइप की आ जाती है आपकी मैनी वन फंक्शन, ठीक है भाई, इसी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं मैनी वन फंक्शन। तो मैनी वन फंक्शन के लिए मैंने आपको क्या बता दिया, मैनी वन फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, कि कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिसकी प्री इमेज मोर देन वन हो, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि सभी की क्या होनी चाहिए, यूनिक यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए, यूनिक प्री इमेज। वन वन में क्या बोला है, सभी की यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए, मतलब सभी की एक प्री इमेज होनी चाहिए। और मैनी वन में क्या बोला है, मैनी वन में बोला गया है कि एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिसकी मोर देन, जिसकी क्या हो, मोर देन वन, मोर देन वन क्या हो भाई, प्री इमेज हो, ठीक है, मोर देन वन प्री इमेज हो, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी एक से ज्यादा प्री इमेज हो। एक बार फिर से क्लियर करा रहा हूं,
ऑन टू ये बोलता है यहाँ पर कोई फ्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए, सभी की प्री इमेज होनी चाहिए। इनटू ये बोलता है कि कम से कम एक एलिमेंट फ्री हो जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। वन वन क्या बोलता है कि सभी की एक यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए, मतलब सभी की एक एक प्री इमेज होनी चाहिए। जैसे मैंने इसको हटा दिया तो ये बन गया आपका वन वन, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं मैनी वन फंक्शन, तो मैनी वन में क्या बोला गया है कि कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिसकी मोर देन वन प्री इमेज हो। तो यहां पर मैं इसके लिए मोर मैनी वन के लिए बनाऊं एग्जांपल, तो ये मैंने 5 दिखा करके इससे रिलेट करा दिया। तो 8 एक ऐसा नंबर है जिसकी एक से ज्यादा प्री इमेज है, तो अभी ये कैसा बन गया है मैनी वन, और इसको हटा दिया तो कैसा बन गया है वन वन, क्योंकि सभी की सिंगल है, ठीक है। साथ ही एक चीज और बताऊंगा कि वन वन का एक दूसरा नाम और है जो हम बोलते हैं इंजेक्शन। क्या बोलते हैं भाई? इंजेक्शन, या फिर इंजेक्टिव भी बोला जाता है इसको, ठीक है ना। तो याद रखें आप, वन वन की बजाय इंजेक्शन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है भाई। और इंजेक्शन आ गया ना तो इंजेक्शन लग भी जाएगा, क्योंकि आप याद रखेंगे वन वन को और इंजेक्शन याद रखेंगे नहीं, ठीक है। तो इंजेक्शन या इंजेक्टिव बोलते हैं, और किसको बोलते हैं? वन वन को। ऑन टू का नाम हो गया सर्जेक्शन, वन वन का नाम हो गया इंजेक्शन, और इनके कंपोजिशन का, इन दोनों का कंपोज कराएंगे हम, उसका नाम कुछ और होगा, देखेंगे आगे। चलिए फिफ्थ टाइप देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारी फिफ्थ टाइप, और फिफ्थ टाइप में मैं आपको बता देता हूँ, फोर टाइप के आप फंक्शन पढ़ चुके हैं, इन्हीं का कंपोजिशन है, ठीक है। इन्हीं को हम क्या करेंगे? कंपोज करेंगे भाई, ठीक है। तो आप यहां से इसको पकड़ें, और इसको किसके साथ कंपोज कराएंगे? वन वन के साथ, इन टू को वन वन के साथ। तो फंक्शन क्या बना? वन वन इन टू, ठीक है। पहले पीछे वन वन को बोलेंगे वन वन इन टू, क्या बना भाई? वन वन इन टू, ठीक है। तो एक ऐसा फंक्शन जो वन वन के साथ साथ इन टू भी हो। अब आपको ये याद होना चाहिए कि वन वन में क्या था और इंटू में क्या था, ठीक है। एक ऐसा फंक्शन जो वन वन के साथ साथ इंटू भी हो। तो वन वन से तो हमें याद है भाई, एक की एक ही प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है ना। एक एलिमेंट की एक ही प्री इमेज होनी चाहिए। तो ये आपका ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। इसमें एलिमेंट ले लेता हूं मैं वन टू थ्री फोर, और इसमें एलिमेंट ले लेता हूं फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक है। तो आप, मैं क्या करता हूँ, वन को फाइव से रिलेट करा देता हूँ, टू को सिक्स से, थ्री को सेवन से, और फोर को एट से रिलेट करा दिया मैंने। तो आप देख सकते हैं सभी एलिमेंटों की एक सिंगल सिंगल प्री इमेज है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? वन वन। और इनटू क्या बोलता था? इनटू ये बोलता था कि कम से कम एक एलिमेंट फ्री होना चाहिए जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, ठीक है ना। तो दोनों बात हो गई, ये फंक्शन आपका वन वन भी है और एक एलिमेंट फ्री है, इनटू भी है। तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? वन वन इनटू बोलेंगे, ठीक है। तो वन वन क्यों हुआ? सभी की एक सिंगल प्री इमेज है। और इनटू क्यों हुआ? क्योंकि एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है। क्लियर है भाई? वन वन इनटू, तो जो वन वन भी हो और इनटू भी हो। अगली जो टाइप आती है हमारी, वन वन को ही हम, वन वन को ही हम किससे रिलेट करा देते हैं? ऑन टू से। तो क्या बनेगा? वन वन ऑन टू बन जाएगा। तो नेक्स्ट टाइप क्या हो जाएगी आपकी? वन वन ऑन टू, वन वन ऑन टू, ठीक है। तो क्लियर है आपको? क्लियर हो गया होगा कि वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, एक ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, ठीक है। तो वन वन क्या होता है? वन वन से हमें पता लग रहा है कि, चलिए इसी में बता देता हूँ एग्जाम्पल, इसी में कवर कर लेते हैं इसका। तो यहां पर मैं एक एलिमेंट और दिखा देता हूँ और इसको मैं रिलेट करा देता हूँ इससे, ठीक है। तो वन वन तो ये बोलता है कि भाई सभी की एक यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं सभी की एक एक प्री इमेज है, क्लियर है। और आप साथ ही ऑन टू क्या बोलता था? ऑन टू ये बोलता था कि यहाँ पर कोई फ्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए, सभी की कम से कम एक प्री इमेज होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं सभी की, आप इन सब इनको अलग अलग बनाएं, ठीक है ना। मैं एक में कवर कर रहा हूँ, आप ऑन टू के लिए वेन डायग्राम अलग बनाएं, सॉरी एरो डायग्राम, और वन वन इनटू के लिए अलग, और वन वन ऑन टू के लिए अलग, ऐसे ही बाकियों में अलग अलग बनाएं, ताकि जब आप दोबारा से रीड करें इनको तो समझ में आ जाए कि चक्कर क्या था, ठीक है। मैं इसमें कवर कर रहा हूँ टाइम को सेव करने के लिए, ताकि वीडियो ज्यादा लेंदी ना बने, ठीक है भाई। तो ऑन टू फंक्शन क्या होगा आपका? वन वन ऑन टू क्या होगा? जो फंक्शन वन वन भी हो तो सभी के एक सिंगल प्री इमेज है, वन वन है, और ऑन टू किस लिए है? क्योंकि कोई एलिमेंट फ्री नहीं है, इसलिए आपका ये कैसा फंक्शन है? ऑन टू है। तो नेक्स्ट हो गया हमारा वन वन के साथ हमने दोनों को कंपोज करा दिया, अब हम मैनी वन के साथ कंपोज कराएंगे। तो अगली जो टाइप हो जाएगी सेवन नंबर हो जाएगी, और क्या होगी भाई? मैनी वन, मैनी वन किसके साथ कराएंगे? इनटू के साथ। तो मैनी वन इनटू क्या हो जाएगा? मैनी वन इन टू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर सी बात है, जो फंक्शन आपका मैनी वन भी हो और इनटू भी हो, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं भाई? मैनी वन इनटू फंक्शन बोलेंगे। एक चीज और छूट गई थी हमारी, देखिए वो इनका दूसरा नाम बताना मैं भूल गया था। तो मैंने आपको बताया था कि भाई ऑन टू जो है, ऑन टू को हम क्या बोलते हैं? सर्जेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्जेक्शन, ठीक है ना। बताया था सर्जेक्शन या सर्जेक्टिव, ठीक है। और वन वन को मैंने बताया था आपको, वन वन को जो बताया था वो बताया था इंजेक्शन या इंजेक्टिव, क्लियर है।
अब इन दोनों का जो ये कंपोजिशन हुआ वन वन ओन टू, दोनों मिल गए ना, तो दोनों मिलकर के बन जाता है बाइजेक्शन। क्या बन जाता है भाई? बाइजेक्शन, ठीक है, या बाइजेक्टिव भी बोल सकते हैं इसको। अगर बाइजेक्टिव बोले या बाइजेक्शन बोले तो दोनों का ही मतलब क्या होगा कि वो फंक्शन जो वन वन और ओन टू हो। तो ये तीनों बातें आप याद रखें, अक्सर कंफ्यूज करता है एग्जामिनर इन बातों से। तो नेक्स्ट टाइप थी हमारी मेनी वन और इनटू, एक ऐसा फंक्शन जो मेनी वन भी हो और इनटू भी हो। तो मेनी वन से आपको कुछ याद आ रहे हैं, मेनी वन में मैंने आपको क्या बताया था, मेनी वन में बताया था कि कम से एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी प्री इमेज एक से ज्यादा होनी चाहिए, मोर देन वन होनी चाहिए। बताया था या नहीं बताया था? बिल्कुल बताया था भाई, ठीक है। तो देखिए, देखते हैं, तो वन की तो प्री इमेज हो गई है, सॉरी इमेज, ये इससे रिलेट हो गया, ये इससे रिलेट हो गया, ठीक है। और साथ ही हम इसको रहने देते हैं यहां पर, यहां पर एक एलिमेंट दिखा देता हूं मैं, तो इसको मैंने इससे रिलेट करा दिया और इससे भी रिलेट करा दिया है। तो आप देख सकते हैं एक एट एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज क्या हो गई है, डबल हो गई है। थ्री भी हो सकती है, फोर भी हो सकती है, फाइव भी हो सकती है, प्री इमेज कितनी भी हो सकती है, ठीक है ना। तो यहां पर एट एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज क्या आ गई है, डबल आ गई है, मतलब मोर देन वन आ गई है, एक से तो ज्यादा आ गई ना। तो इस वजह से इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, मैनी वन बोलेंगे। और इनटू के लिए हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट यहां पर हमने दिखा दिया फ्री, तो ये कैसा बन गया, इसकी डबल प्री इमेज है इसलिए हम इसको बोल रहे हैं मैनी वन, और एक एलिमेंट फ्री है इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, नो प्री इमेज, ठीक है ना, नो प्री इमेज, इस वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं, इनटू। तो दोनों को मिलाकर के क्या बना भाई, ये हो गया मैनी वन, ये हो गया इनटू, तो क्या बन गया, मैनी वन इनटू बन गया, ठीक है। और लास्ट टाइप आती है मैनी वन ओन टू, मैनी वन ओन टू मतलब ऐसा फंक्शन जो आपका मैनी वन भी हो और ओन टू भी हो। तो इसके लिए अलग से एरो डायग्राम ड्रा नहीं करेंगे हम, इसी में कवर करा देता हूं मैं। तो इसमें कैसे कवर कराएंगे, मैनी वन फंक्शन आप अलग से बनाएं, ठीक है ना। मैनी वन फंक्शन मतलब एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी एक से ज्यादा प्री इमेज हो, तो एट है इसकी एक से ज्यादा प्री इमेज है। और ओन टू क्या कहता है, यहां पर कोई एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए, तो मैं इसी में बता देता हूं आप अलग से बनाएं। तो यहां पर मैंने एक एलिमेंट शो कर दिया है और इसको मैं रिलेट करा देता हूं नाइन से। अब देखिए कोई एलिमेंट ऐसा फ्री बचा जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, नहीं बचाना, कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं है, सभी की प्री इमेज है, किसी की एक है तो किसी की डबल है, ठीक है ना। तो ये आपका कैसा हुआ, ओन टू हुआ, क्योंकि कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं है। और मैनी वन किसकी वजह से हुआ, एट की वजह से, क्योंकि इसकी डबल प्री इमेज है, ठीक है। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, अब हो गया आपका मैनी वन ओन टू, और फ्री था तो क्या था, मैनी वन इन टू था, क्लियर है। तो याद रखें वन वन ओन टू का दूसरा नाम क्या है, बाइजेक्शन, ओन टू का दूसरा नाम क्या है, सर्जेक्शन, और वन वन का दूसरा नाम क्या है, इंजेक्शन, ठीक है। इन दोनों को याद रख ले, ओन टू और वन वन, ओन टू सर्जेक्शन, वन वन इंजेक्शन, और दोनों का जब कंपोजिशन हुआ तो क्या बना, बाइजेक्शन बन गया, ठीक है। तो यहां पर हमने बेसिक पूरा कंप्लीट कर लिया है फंक्शन का, फंक्शन में और भी कुछ बचता है लेकिन ट्वेल्थ में जितना यूज है वो सारा कवर कर लिया हमने। अगर और डिटेल में आप फंक्शनों को पढ़ना चाहते हैं तो इलेवेंथ क्लास की वीडियो हमारी ऑलरेडी अपलोड है, ठीक है, इलेवेंथ क्लास की फंक्शन वाली वीडियो आप देखें, उसमें हमने और डिटेल से डिस्कस किया है फंक्शन को, ठीक है। लेकिन ट्वेल्थ में इतना ही यूज है, जितना ट्वेल्थ में यूज था वो सारा कवर कर लिया, अब आपको एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वीडियो में आज इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबा ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।